Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो विडो टेट्रास के ऊपर होने वाला है, ठीक है। वन ऑफ द फेवरेट फिशेज होती है सबकी विडो टेट्रास। अब इसमें आप कन्फ्यूज होंगे कि विडो टेट्रा कौन है। तो ये ऊपर वाली जितने फिशेज हैं ये एंजल फिशेज हैं, ठीक है। और जितने भी कलरफुल फिशेज हैं ये विडो टेट्रास फिशेज हैं। तो विडो टेट्रा के ऊपर वैसे वीडियो आ चुका है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं विडो टेट्रास के बारे में। और विडो टेट्रास की फीडिंग के ऊपर भी वीडियो आ चुका है, क्योंकि कैसे आप फीड करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी फिशेज को। तो आप ज़रूर वो फीडिंग वाला वीडियो देख लें। आज का जो टॉपिक होगा वो विडो टेट्रास के टैंकमेट्स के ऊपर होगा, आखिर कौन से टैंकमेट्स आप विडो टेट्रास के साथ रख सकते हैं। तो दो तीन तो पहले से ही वेरीफाई हो गया कि कौन कौन से टैंकमेट्स रख सकते हैं। तो ये जो ब्लैक वाला देख रहे हैं ये एंजल फिश है। इसको कौन से एंजल बोलते हैं? इसको टैक्सीडो एंजल बोलते हैं, ठीक है, टैक्सीडो ब्लैक एंजल। और ऊपर जो दो फिशेज देख रहे होंगे अलग वेराइटी की, वो गप्पी फिशेज है। तो गप्पी और एंजल फिशेज, कोई भी एंजल फिशेज आप रख सकते हैं, मार्बल एंजल रख सकते हैं या फिर कोई भी। लेकिन एक एंजल आती है वेल टेल एंजल, जो कि इससे पहले मैंने वीडियो डाला था। तो आप वो विडो टेट्रास के साथ ना रखें, क्योंकि वो फिर उसके फिन को कट करती है, ठीक है। ये सब काफ़ी एक्टिव वाले फिशेज हैं, ये जितने भी एंजल फिशेज हैं ये काफ़ी एक्टिव वाले फिशेज हैं, तो इसके साथ रह जाती है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि टॉप 10 विडो टेट्रास के टैंकमेट्स क्या क्या हैं, आप जान लें और आप ये रख सकते हैं। और विडो टेट्रास को रखने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी टैंक की आवश्यकता है नहीं, बस 2 फीट या 1.5 फीट के भी टैंक में आप रख सकते हैं। पर नॉर्मली 2 फीट का टैंक रखेंगे तो काफ़ी अच्छी दिखेगी और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगी। और ये एक प्लांटेड एक्वेरियम की फिशेज होती है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, मतलब लाइव प्लांट वाली फिशेज, ठीक है। तो आप लाइव प्लांट में भी ऐड कर सकते हैं। और अगर लाइव प्लांट अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप आर्टिफिशियल प्लांट में भी सेटअप कर सकते हैं। और पीछे सिंपल बैकग्राउंड रखिए तो ये विडो टेट्रास काफ़ी अच्छी दिखेगी। इसमें विभिन्न प्रकार के विडो टेट्रास हैं, जैसे कि ये ग्रीन विडो है, इधर आपको मिलेगा येल्लो विडो, फिर ऊपर पिंक विडोज मिलेगा, एक बीच में वाइट विडोज मिलेगा, और मैंने 2 वेराइटी ऑर्डर भी दिए हैं, रेड और पर्पल ब्लू। तो वो भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा मेरे एक्वेरियम में ही। ये तब तक मैंने, ये हॉस्पिटल टैंक था तो मैंने इसमें बनाया है, तब तक रखा हूँ। और 4 फीट वाला टैंक जल्द ही बनेगा, उसकी स्टैंड बन रही है तो मैं उसका भी अपडेट दूंगा। तो अब मैं बिना देर किए हुए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर विडो टेट्रास के साथ आप कौन कौन से फिशेज रख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं भूल गया, आप जब भी विडो टेट्रास रखें तो आप पावर फिल्टर ना लगाएं, ठीक है। आप ये स्पंज फिल्टर लगाएं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ़िल्टर लगाएं, ये काफ़ी अच्छी फ़िल्टर होती है, ठीक है, और काफ़ी नीचे से डस्ट आपकी क्लीन करेगी। तो ये फ़िल्टर में जैसे आप पावर फिल्टर लगाएंगे तो विडो टेट्रास काफ़ी हल्की फिशेज होती है उसको खींच लेगी, ठीक है। तो आप ये वाला स्पंज फिल्टर लगाएं, काफ़ी अच्छे से आपकी विडो टेट्रास रहेगी। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ विडो टेट्रास के टैंकमेट्स क्या क्या हैं। ऑल टाइप ऑफ विडो टेट्रास, एंजल फिशेज रख सकते हैं आप, मॉली फिशेज रख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, प्लेटी फिश ये भी रख सकते हैं, गप्पी फिशेज, शॉर्ट टेल मॉली रख सकते हैं, कोरिडोरस कैटफिश, ब्लैक स्कट टेट्रा रख सकते हैं आप, फाइटर फिश रख सकते हैं, और आखिरी में नियॉन टेट्रा रख सकते हैं। तो ये कुछ टैंकमेट्स हैं जो कि आप विडोज़ के साथ रख सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।